प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे गुण रहस्य हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और जिसके कारण से हम बहुत सारे भ्रम भी अपने अंदर जरूर रखते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर दर्शकों शनि की साढ़े सती की। आप सबने सुना होगा शनि की साढ़े सती, किसी को भी लगती है वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब शनि की साढ़े सती शुरू हो चुकी है, अब न जाने क्या होने वाला है। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि किस लग्न के जातक को शनि की साढ़े सती बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है और किस लग्न के जातक को शनि की साढ़े सती बहुत ज्यादा परेशान करती है। दर्शकों, केवल तुला लग्न ही एक ऐसा है यानी कि जिसके अंदर शनि की साढ़े सती आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। कारण कि तुला लग्न के अंदर चंद्रमा भी योग कारक होते हैं और शनि भी योग कारक होते हैं। ऐसे में गोचर के अंदर बनने वाला ये योग शनि की साढ़े सती ये उस जातक को परेशान नहीं करती है। वहीं इसके विपरीत यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो यहां पर शनि की साढ़े सती आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। कारण कि चंद्रमा भी यहां पर मारक होते हैं और शनि भी यहां पर मारक होते हैं। ऐसे में सिंह लग्न के जातकों को शनि की साढ़े सती बहुत ज्यादा परेशान करती है। इसके अलावा जितने भी बाकी हैं उनके अंदर किसी में शनि मारक होगा, किसी में चंद्रमा मारक होगा। ऐसे में यदि आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि मारक है तो नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, और यदि मान लीजिए चंद्रमा मारक है और चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन यदि चंद्रमा योग कारक है और फिर साढ़े सती चल रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और यदि मान लीजिए शनि की महादशा चल रही है और वो योग कारक है और फिर साढ़े सती अगर आपको लग रही है तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि शनि की साढ़े सती हर व्यक्ति को परेशान नहीं करती है, तुला लग्न के जातक को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, सिंह लग्न के जातक को बहुत ज्यादा परेशान करती है, और बाकी सभी लग्न के जातकों को यहां पर शनि की साढ़े सती उनकी कुंडली के अनुसार ही उनको नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देती है। लेकिन उसके साथ में यदि महादशाएं भी चल रही हो तो शनि के साढ़े सती के प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि गोचर में साढ़े सती चल रही है लेकिन आपको यहां पर ना ही तो शनि की महादशा है और ना ही चंद्रमा की महादशा है तो फिर इस साढ़े सती को लेकर के आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उस शनि की साढ़े सती के नेगेटिव रिजल्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही उसके पॉजिटिव रिजल्ट। दर्शकों, बिल्कुल सही सुना है आपने, पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि शनि की साढ़े सती तुला लग्न वाले को बहुत ही अधिक शुभ फल भी देती है। लेकिन उसके लिए तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, वो 3, 6, 8, 12 में ना हो और अस्त अवस्था में ना हो, तो शुक्र की महादशा हो और यदि साढ़े सती चल रही हो तो जातक को अपने जीवन के अंदर अच्छे रिजल्ट भी जरूर मिलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं पर दूसरी जगह पर देखने सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रिसर्च के ऊपर आधारित है। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे कुंडलियों का एनालिसिस किया है और उसके बाद जाकर के निष्कर्ष में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि शनि की साढ़े सती हर व्यक्ति के लिए परेशान करने वाली नहीं होती है, कुछ लोगों के लिए तो ये सोने पे सुहागा भी होता है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं एस्ट्रोलॉजी की सीरीज के अंदर मैं बहुत से ऐसे आप लोगों को व्यूज यहां पर दूंगा जो निश्चित तौर पर आपके ज्योतिष विद्या के अंदर आपको बहुत अधिक ज्ञानवर्धन भी रहेगा और आप एक डीप नॉलेज इस सब्जेक्ट के ऊपर रख पाएंगे और बेहतर ढंग से कुंडली को एनालिसिस कर पाएंगे, चाहे फिर वो कुंडली आपकी हो या किसी और की हो। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।